सो गाइस फाइनली एशिया कप हैज बीन स्टार्टेड और आज था पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस नेपाल का। खैर मैच काफ़ी ज़बरदस्त था और स्टार्ट जो पाकिस्तान का था वो काफ़ी स्लो था, इतना कोई फास्ट नहीं था अंटिल 30th ओवर। और जो ओपनर्स थे वो भी रन आउट भी हो गए और रिजवान ने थोड़ी सी बैटिंग की लेकिन वो भी रन आउट हो गया। खैर 4 आउट होने के बाद क्रीज पे आते हैं इफ्तिखार और इफ्तिखार बाबर के साथ लेके एक लंबी इनिंग्स खेलते हैं, मतलब वाकई में बहुत लंबी इनिंग्स, मतलब 200+ रन की पार्टनरशिप करते हैं बाबर के साथ। शुरू में बाबर भी काफी स्लो खेलते हैं लेकिन जब वंस बाबर की 50 हो जाती है उसके बाद बाबर भी एकदम शूट पकड़ते हैं और 100 करते हैं और फिर 150 करते हैं। और इस मैच में 150 करने के बाद बाबर ने एक और नया रिकॉर्ड बना दिया है। पहले उन्होंने हाशिम अमलो को सरपास किया था 5000 रन में, अब उन्होंने हाशिम अमलो को सरपास किया है 19 ODI सेंचुरी में। हाशिम अमलो ने ये रिकॉर्ड किया था 104 मैचेस में और बाबर आजम ने ये रिकॉर्ड किया है 102 मैचेस में। खैर पाकिस्तान टारगेट देता है नेपाल को 343 रन का, इतना बड़ा टारगेट, और इतना बड़ा टारगेट को चेस करने के लिए जैसे ही नेपाल ग्राउंड में उतरती है तो पहले ही 2 ओवर में शाहीन विकेट चटका देते हैं। पहला ओवर हो और शाहीन की विकेट ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। खैर उसके बाद नसीम ने भी अच्छी बॉलिंग की है, नसीम ने भी एक विकेट ली और फील्ड पाकिस्तान की बेहतर थी, काफ़ी बेहतर थी। फखर जमान का वो ब्रिलियंट कैच, लेकिन नसीम कुछ फील्ड में हमें कुछ डगमगाते नजर आ रहे थे, कुछ कुछ 2-3 मिस फील्ड्स उनसे हुई तो थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल थे फील्ड में। तो अगर बात की जाए नेपाल की फील्डिंग की तो उनकी फील्डिंग भी 50-50 थी एक किस्म की। अगर बात की जाए विकेट हिटिंग की तो विकेट हिटिंग्स उनकी बिल्कुल परफेक्ट थी, कोई उन्होंने जो है हिट मिस नहीं की। लेकिन अगर बात ग्राउंड पे की जाए फील्ड की तो कुछ उन्होंने मिस फील्ड्स की हैं जिसकी वजह से बाउंड्रीज भी लगी हैं। नसीम और शाहीन के बाद हमारे पास आता है हारिस रऊफ और हारिस रऊफ की पेस के आगे कुछ नेपाली बैट्समैन कुछ घबराए हुए लगे थे। डेफिनेटली क्यों ना घबराएं, 150 की पेस उनको पड़ रही है और वो 150 को खेल रहे हैं और उन्होंने टारगेट चेस करना है 343 का, तो घबराना तो उन्होंने है। खैर बीच में आते हैं शादाब और शादाब 4 विकेट चटका जाते हैं हमारे पास। खैर नवाज ने भी अच्छी बॉलिंग की है और पाकिस्तानी टीम की ऑलराउंड परफॉर्मेंस अच्छी थी। हारिस रऊफ थोड़ा सा घबराए घबराए से लग रहे थे, थोड़ा सा उनको शायद इंजरी हुई है या क्या, वो फील्ड से चले गए थे क्योंकि मुल्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा थी और उस गर्मी में खेलना थोड़ा सा प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो रहा था। डेफिनेटली नेपाली टीम तो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई लग रही थी क्योंकि उधर गर्मी इतनी ज़्यादा थी। खैर पाकिस्तान ने ये मैच 238 रन से बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत लिया है। अब अगला इंकाउंटर पाकिस्तान का पाकिस्तान वर्सेज इंडिया है 2 सितंबर श्रीलंका में, ऑल आइज ऑन दैट मैच। पर उससे पहले एक कल मैच होगा श्रीलंका में ही, बांग्लादेश वर्सेज श्रीलंका, और वो मैच आई थिंक वो भी बहुत हाइप वाला मैच होने लगा क्योंकि आजकल बांग्लादेश वर्सेज श्रीलंका की जो राइवलरी है वो कुछ बूस्टअप हो रही है। तो अब प्लान यही है कि हर मैच के बाद छोटी सी शॉर्ट सी एक मैच समरी बना के इसी तरह चैनल पे भी अपलोड किया करूंगा। तो मजीद इसी तरह की वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी। स्टे ट्यून्ड विद अस, अस्सलाम वालेकुम।